हेलो, नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण भाग, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में सबसे पहले व्यंजन जानते हैं कि हमने शुरू में पढ़ा था कि व्यंजन क्या होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में या बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का संयोग या व्यंजन का मेल यदि किसी व्यंजन या स्वर से होने पर ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं यानी व्यंजन संधि का संयोग या मेल या तो व्यंजन से होगा या फिर स्वर से होगा। और व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जब मेल होता है जो ध्वनि, तब उनकी ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। देखो उदाहरण है, नियम नंबर एक में है कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें से किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग का मेल जब स्वर से या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या यरलव से हो, स्वर से या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा यरलव से होता है, तब प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है, उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्लस नहीं है, बराबर का निशान है। तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल जब स्वर से, तीसरा, चौथा वर्ण से या यरलव से होता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार। सत प्लस आचार, सत प्लस आचार का संधि करने से पहले थोड़ा सा पिछला रिपीट कर ले कि संधि क्या होता है। संधि में होता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से। तो यहाँ पे प्रथम शब्द सत, इसका अंतिम वर्ण तय, अंतिम वर्ण किस क्या है तय, अंतिम वर्ण है तय, तो तय किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, द, तो ये तय बदल गया द में। यहाँ तय आधा है, हलंत वाला है, तो द भी आधा और हलंत वाला ही बनेगा। इसके अलावा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सत में जो पहले स है वो स वैसा का वैसा आ गया, प्लस तय बदल गया द में, यानी प्रथम वर्ण किस में बदल गया, प्रथम वर्ण किस में बदल गया, तीसरे वर्ण में, क्योंकि उनका मेल या तो स्वर से है या तीसरा वर्ण, चौथे वर्ण या यरलव है। तो यहाँ पर आचार में पहला वर्ण है आ, तो ये स्वर है, तो तय का मेल किससे हो रहा है, स्वर से, तो ये तय किस में बदल गया, द में, तो फिर ये आचार, आचार का आचार आ गया। अब इन स प्लस द प्लस आचार को जोड़ते हैं तो द पर आ की मात्रा आ गई तो हो गया दा, इस प्रकार बन गया सदाचार। तो यह है हमारा नियम नंबर एक। इसी का अगला उदाहरण है दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, तो दिक दिक में जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है के, के हलंत वाला, यह है प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण, इसका मेल है गज से, तो गय किस में हो जाएगा, प्रथम वर्ग के किस में चेंज हो जाएगा, गय में, क्योंकि प्रथम वर्ग किसी वर्ग का प्रथम वर्ण किस में चेंज होता है, उसी वर्ण के तीसरे व्यंजन में, तीसरे वर्ण में, तो गय हो गया, कह हो गया गय में चेंज, गय में बदल गया। तो यहाँ पर दी पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गज का गज आ गया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, दी प्लस गय, गय हलंत वाला है, गय हलंत वाला है अर्थात आधा गय है, तो यहाँ पर हो गया दिग्गज, इस प्रकार हो गया दिग्गज। इस आगे हमने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहले है क का ग में बदलना, कि क है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क होगा
तो वह क वर्ग के तीसरे वर्ण में अर्थात ग में बदल जाएगा। तो क का ग में बदलना। दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक में दिक प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क, आधा क, ये किस में बदल जाएगा, आधे ग में, किस में बदल जाएगा, आधे ग में, और आधा ग ए के साथ जुड़कर किस हो जाएगा, पूरा ग, तो यहाँ पर हो गया दिगंबर, यहाँ पर हो गया दिगंबर, क्योंकि प्रथम वर्ण का जो क है वही बदलेगा, उसके बाद में जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा इस प्रथम नियम के अनुसार। अगला उदाहरण है वाक प्लस ईश वागीश, दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस गज दिग्गज, ऋक प्लस वेद ऋग्वेद, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, चय का जय में बदलना, चय का जय में बदलना, अच प्लस अंता अजंता, अच प्लस आदि आजादी। आगे और उदाहरण तय का दय में बदलना, अर्थात द्वितीय वर्ग का जो तय है वह किस में बदल जाएगा, दय में, अर्थात तीसरे वर्ण में। तो देखते हैं सत्य प्लस आचार, सत्य प्लस आचार, तो यहाँ पर प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण है तय, ये किस में बदल जाएगा, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी तय का तीसरा वर्ण होगा दय, तो यहाँ पे तय हलंत वाला है तो दय भी हलंत वाला होगा, तो दय में आ जुड़कर हो जाएगा दा, तो सदाचार, सत्य प्लस आचार सदाचार। उत प्लस आहरण उदाहरण, सम प्लस गति सदगति, सत्य प्लस उपयोग सदुपयोग, जगत प्लस ईश जगदीश, उत प्लस गाटन उद्घाटन, उत प्लस गम उद्गम, उत प्लस देश्य उद्देश्य, उत प्लस देश्य उद्देश्य, उत प्लस ए उदय, सत प्लस विचार सद्विचार, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। आगे है टय का डय में बदलना, टय हलंत वाला है आधा है तो किस में बदलेगा, आधे डय में ही, तो षड प्लस आनन, षड प्लस आनन षडानन, षट प्लस यंत्र षडयंत्र, षट प्लस दर्शन षडदर्शन, पै का बै में बदलना, पै का बै में बदलना। अप प्लस जय, तो पै, पै कौन सा है, आधा है, और वह भी उसके पै है आधा है, और उसका मिल किससे हो रहा है, जैसे, तो पै किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो हो गया बै में, तो यहाँ ये आधा है हलंत वाला है तो बै भी आधा ही आएगा, तो अप प्लस जय अबज, सुप प्लस अंत सुबंत। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो उसका मेल अनुनासी के वर्ण से हो, अनुनासी के वर्ण यानी पंचम वर्ण, पंचम वर्ण अनुनासी के वर्ण जो नाक से बोले जाते हो या पंचम वर्णों अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल अनुनासिक के वर्ण या पंचम वर्ण से हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर कौन सा आ जाता है, पांचवा वर्ण, कौन सा आ जाता है, पांचवा वर्ण। जैसे वाक प्लस मय, तो ये प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर है, प्रथम वर्ण है, तो ये किस में बदल गया, पंचम वर्ण में, अर्थात अंगय में, किस में बदल गया, अंगय में, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर वाक का वा ऐसे ही आ गया, क्या किस में बदल गया, अंगय में, प्लस में, तो हो गया वांग में, क्या हो गया, वांग में। इसी प्रकार अगला उदाहरण है उत प्लस मुख, तो ये तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, तय वर्ग का प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ण है, तो इसका मेल किससे हो रहा है, अनुनासी के वर्ण से, यानी मैं अनुनासी के वर्ण है, मैं अनुनासी के वर्ण है, तो किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, तो तय बदल गया न में, तो उत का जो तय वो तो बदल गया न में, हलंत वाले न में, आधे न में, ऊ ऐसे का ऐसे आ गया, ऊ आधा न प्लस मुख, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो बन गया उन्मुख, क्या बन गया, उन्मुख। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम होगा, आगे उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक प्लस में वांग में, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत्य प्लस मार्ग सन्मार्ग, उत प्लस मूलन
उन्मूलन, उत प्लस नत उन्नत, सत प्लस नारी सन्नारी, सत प्लस नारी सन्नारी, सत प्लस नारी का जो तय है तय वर्ग का पंचम वर्ण होगा न, तो यहाँ पर आ तय भी आधा है तो पंचम वर्ण भी आधा ही है आएगा, इसलिए हो गया सन्नारी। उत प्लस माद उन्माद, उत प्लस मेष उन्मेष, उत प्लस मुख उन्मुख, सट प्लस मार्ग क्षण मार्ग। आगे उदाहरण नियम नंबर तीन, नियम नंबर तीन, जब तय का मेल, जब तय का मेल चे या छे से हो तो तय के स्थान पर चे हो जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि तय का मेल चे छे से हो तो तय के स्थान पर क्या आ जाता है, तय, यानी प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण तय हो तो वह तय के से बदल जाएगा चे में। जैसे यहाँ पर उदाहरण है उत प्लस चारण, तो यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है चे, तय, क्या है तय। हमारे नियम के अनुसार क्या आना चाहिए, तय किस में बदल जाएगा, चे में, तो यहाँ पे तय भी आधा है तो चे भी आधा है, चे किस में हो गया आधे चे में, ऊ का ऊ आ गया, तय किस में बदल गया चे में, चारण का चारण तो क्या हो गया उच्चारण, इन तीनों को जोड़ने पर क्या हो गया उच्चारण। इसी प्रकार इसी का दूसरा नियम है तय का मेल जब जय झ से हो तो तय के स्थान पर जय आ जाता है, तय का मेल जय या झ से हो तो तय के स्थान पर जय हो जाता है। जैसे सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन, तो तय का मेल किससे है जय से या झ से, तो यहाँ पर जय है तो ये तय किस में बदल जाएगा जय में, तो आधा तय है तो यहाँ जय पर जय भी आधा होगा। से का से प्लस तय बदल गया जय में, जन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा जन, तो इन तीनों को जोड़ने पर हो गया सज्जन, क्या हो गया सज्जन। इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, तो ये तय किस में बदल गया, तय किस में बदल गया चय में, तो यहाँ हो गया उच्चारण। सत्य प्लस चरित्र सचरित्र, सत्य शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र, जगत प्लस छाया जगत छाया, ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये इनकी संधि क्या होगी या इनका संधि क्या होगी। अगला उदाहरण है सत्य प्लस चितानंद सचिनानंद, उत प्लस ज्वल, यहाँ पे तय का मेल किससे हो रहा है जैसे, तो ये तय किस में बदल जाएगा जय में ही, तो हो गया उज्ज्वल। सत्य प्लस जन, तो ये जय तय किस में बदलेगा क्योंकि इसके सामने जय है तो जय में ही बदलेगा, तो होगा सज्जन। उत प्लस जैनी उज्जैनी, जगत प्लस जननी जग जननी। अगला नियम है तय का मेल जब तय डे हो तो तय के स्थान पर डे हो जाता है। इसी का अगला एक नियम और है तय का मेल लय से हो तो लय के स्थान पर लय हो जाता है, तय का मेल लय से हो तो तय के स्थान पर क्या हो जाता है लय हो जाता है। तो देखते हैं उत प्लस लास, तो यहाँ पर तय का मेल किससे हो रहा है लय से, किससे हो रहा है लय से, तो ये किस तय किस में बदल जाएगा लय में, यहाँ पे हलंत वाला है तो यहाँ लय भी हलंत वाला होगा। ऊ का ऊ आ गया प्लस तय बदल गया लय में, प्लस जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ला, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो लास का लास हो गया। अब इन तीनों को जोड़ने पर ऊ प्लस लय प्लस लास तो हो गया उल्लास, क्या हो गया उल्लास। इसके उदाहरण देखते हैं उत प्लस लंघन उल्लंघन, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद दोस्तों।